कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन कब कैसे देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले यह जानना जरूरी है कि हवा में, आसपास हमारे जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% बाकी गैसेस है। तभी हम 21% ही ऑक्सीजन हमारे अंदर में सांस जब लेते हैं तो अंदर जाता है। अब जो बाहर सांस देते हैं तो उसमें 16% अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन रहता है। इसका मतलब 5% का ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमने कर लिया, उसको वापर लिया है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में बाहर फेंक दिया है। तो अभी क्या होता है, ये नेबुलाइजर में, नेबुलाइजर जो अस्थमा के लोग वापरते हैं, तो नेबुलाइजर एक मशीन होती है और वो मशीन से अप्रॉक्सीमेटली 80-85% ऑक्सीजन वो खींच सकता है हवा से, और उसमें अस्थमा की गोलियां डाल देते हैं नेबुलाइजर में और वो खींचता है तो गोली अंदर तक, फेफड़ों तक चली जाती है वो गोली और फेफड़ों के ऊपर डायरेक्ट काम करती है वो नेबुलाइजर का। उसमें पेशेंट को एक्टिवली सांस लेनी पड़ती है और वो सांस में 80-90% ऑक्सीजन रहता है। अभी ऑक्सीजन की यदि जरूरत ज्यादा है, मतलब ये नेबुलाइजर जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट को काम में नहीं आएगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम में आ सकता है यदि उसकी जरूरत जो है वो 5-10 लीटर प्रति मिनट में है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में 90-95% ऑक्सीजन रहता है, मतलब वहां से खींच सकता है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैटरी पे चलता है या अपने इलेक्ट्रिक पे चलता है। और माइल्ड टू मॉडरेट यदि दमा है या ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम में आता है। ये होगी सेकेंड लेवल। फिर थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देना। अब ऑक्सीजन सिलेंडर आप देते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर से जब ऑक्सीजन आता है वो करीब करीब 99% आता है। एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें करीब करीब 4-5 हजार लीटर ऑक्सीजन रहता है, 4-5 हजार लीटर। अब देखिए, एक पेशेंट को 10-15 लीटर यदि ऑक्सीजन चाहिए या 20 लीटर तक ऑक्सीजन चाहिए तो उसको एक सिलेंडर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और 10-15 लीटर ऑक्सीजन उसको जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर से, तो उसको कम से कम 3 या 4 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर एक दिन में लगेंगे उसकी सांस की पूर्तता करने के लिए। अभी ये तो पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो पेशेंट ले रहा है, खुद होके ले रहा है और उसको ऑक्सीजन हम 99% दे रहे हैं। मगर अभी कुछ लोगों का फेफड़े, कुछ लोगों के फेफड़े इतने खराब हो चुके हैं कि वो एक्टिवली काम में आते ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन अंदर फोर्स से ढकेलना पड़ेगा और ऑक्सीजन फोर्स से ढकेल के उसको सांस देनी पड़ेगी। अब वो काम होगा वेंटिलेटर पे पेशेंट डाल के और इंट्यूबेट करके। वेंटिलेटर में दो तरह का है, एनआईवी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में भी पेशेंट को सांस लेनी पड़ती है, उसमें उसको 99% जाती है ऑक्सीजन की लेवल या ऑक्सीजन की मात्रा, मगर उसको सांस उसमें लेनी पड़ती है, या हाई फ्लो मास्क है उसमें सांस लेनी पड़ती है। मगर जब अभी पेशेंट ऑक्सीजन की सांस ले नहीं सकता एक्टिवली, तब उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। इंट्यूबेट करना पड़ेगा मतलब क्या है कि नली डाली जाती है उसके मुंह से, मूसा मतलब मुंह बड़ा करके उसके सांस की इसमें ट्रकिया में नली डाली जाती है और वो नली जो ट्रकिया है उसको दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है अंदर जाने के बाद में, तो उसका जो डिवीजन है ट्रकिया का, वहां डिवीजन के लेवल पे वो नली जाके वहां रख दी जाती है। अभी इसमें क्या होता है, वो नली जो है उसका कनेक्शन रहता है वेंटिलेटर को, उससे उसको कम से कम 40-50 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट लगता है और वो चले जाएंगे अंदर। तो 40-50 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट ये इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर से वो पेशेंट को मिलेगा और वो पेशेंट को फोर्स से ऑक्सीजन जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ढकेले जाता है अंदर और वो फोर्स से अंदर ऑक्सीजन जाएगा। तो पेशेंट को वेंटिलेटर और इंट्यूबेशन करके, वेंटिलेटर लगाने से और इंट्यूबेशन करने से फोर्स से ऑक्सीजन अंदर जाता है, पेशेंट को लेने की जरूरत नहीं है खुद होके एक्चुअली, क्योंकि फेफड़े तो उसके काम ही नहीं कर रहे, और वो फोर्स से जब अंदर जाता है ऑक्सीजन तो वो जीवित रहता है पेशेंट, उसको ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहती है और वो 99% होता है। अब ये 40-50 लीटर ऑक्सीजन उसको पर मिनट मिलता है तो कितना हो गया, 2400 लीटर करीब करीब 2400 लीटर हो गया एक घंटे में, मतलब आधा सिलेंडर वो एक घंटे में या एक पूरा सिलेंडर जाने जाने एक घंटे में वो खा लेता है, या खा लेता मतलब वो ले लेता है।
कुछ लोगों को यदि कम लगता है, कम प्रेशर लगता है, तो 1 से 1.5 घंटे में उसको एक बड़ा सिलेंडर लग जाता है। अब ये हिसाब से उसको 18 से 20 सिलेंडर एक दिन में लग सकते हैं, जिसको जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है और इंट्यूबेट किया हुआ है। अभी जो लोगों को कोरोना हो रहा है, ये वायरस जो है ये अलग स्ट्रेन है, और ऐसा माना जाता है कि यह स्ट्रेन डायरेक्ट 2nd और 3rd दिन में ही पेशेंट को सीरियस कर लेता है। अब ये 2nd 3rd दिन में पेशेंट यदि सीरियस हो रहा है और उसको ऑक्सीजन फिर इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे डालना है और लगाने का है, तो कितना ऑक्सीजन लगता है और उससे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। हमारे देश में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, तो गवर्नमेंट फटाफट फटाफट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे बाय रेलवे, बाय एयर, ग्रीन कॉरिडोर से, और जहां चाहिए वहां फटाफट पहुंचा देंगे, तो लोगों की जानें बच जाएंगे। अदरवाइज जो भी है, हॉस्पिटल्स में लगातार फोन की घंटियां बज रही है, फोन बज रहे हैं कि भाई वेंटिलेटर खाली है क्या, वेंटिलेटर खाली है क्या, वेंटिलेटर का पेशेंट है, इतने वेंटिलेटर है नहीं। और वेंटिलेटर का पेशेंट जो है वो सीरियस पेशेंट रहता है, उसको वो एक तो एजेड रहा तो फिर और प्रॉब्लम है, बचने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। मगर फिर डॉक्टरों क्या है, डॉक्टरों को इतना लोड है, इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है कि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि अभी वो पेशेंट है एजेड है वेंटिलेटर पे डाले उसको, और वो आखिर उसका कोई भरोसा नहीं है क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा, लोड डॉक्टरों के ऊपर बहुत आ रहा है, और फिर पेशेंट के रिलेटिव उनका प्रेशर, कैसा भी करो कुछ भी करो हम कितना भी खर्चा करने को तैयार है, ये करो वो करो, इधर से फोन उधर से फोन करेंगे, डॉक्टरों के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि डॉक्टर काम भी नहीं कर सकते। पेशेंट के रिलेटिव्स को यही बोलना है कि रिलेटिव्स ने शांति रखना चाहिए, जो होगा होगा, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि पेशेंट मरे, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा, वो अपना पूरा ताकत लगा देता है, पूरा स्किल लगा देता है और पेशेंट की जान बचाता है। पेशेंट के रिलेटिव्स ने शांत रहना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए बाहर, जो होगा वो अपने डॉक्टर के भरोसे होगा, डॉक्टर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पेशेंट बच गया तो डॉक्टर के भगवान के आभार मानो, नहीं बचा चलो अपनी किस्मत खराब है, और हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करना, डॉक्टरों के ऊपर अटैक करना, ये सारा सर बेकार है, ये रेडियो ने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।